सो है गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो गाइज, इस वीडियो में हम आदि पुरुष मूवी के पोस्टर ड्राइंग की आउटलाइन ग्रिड मेथड का यूज करके ड्रॉ करने वाले हैं। तो गाइज, इस ड्राइंग को करने के लिए हम यहाँ पर A3 साइज का आइवरी पेपर यूज करने वाले हैं। एंड गाइज, इसी के साथ 1 HB ग्रेड की पेंसिल, इरेजर और एक स्केल का भी यूज करने वाले हैं। गाइज, रेफरेंस फोटो के ऊपर ग्रिड लाइंस बनाने के लिए हम यहाँ पर सिंपली ड्रॉइंग ग्रिड फॉर द आर्टिस्ट एप्लीकेशन का यूज करने वाले हैं। तो गाइज, सबसे पहले आपको ड्रॉइंग ग्रिड फॉर द आर्टिस्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपको न्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। न्यू के ऑप्शन पर क्लिक देने के बाद अब आपको फोटो के साइज में A3 साइज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर देने के बाद अब आपको सिंपली ओपन पर क्लिक कर देना है। ओपन पर क्लिक कर देने के बाद अब आपको गैलरी से जिस भी फोटो को ड्रॉ करना है उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना। गाइज, आपको जितना रेफरेंस फोटो को ड्रॉ करना है उसे क्रॉप कर लेना है और सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। गाइज, इसके बाद आपको 3 लाइन्स पर क्लिक करके इमेज सेल साइज को 30 सेमी पर सिलेक्ट कर लेना। तो गाइज, बस रेफरेंस फोटो के ऊपर ग्रिड लाइन्स क्रिएट हो चुकी है। तो गाइज, अगर हमें रेफरेंस फोटो जैसे सेम ग्रिड लाइन्स ड्रॉइंग पेपर पर भी चाहिए तो पेपर के चारों तरफ 3 सेमी छोड़ छोड़ के मार्क करना होगा। तो चलो वो पहले कर लेते हैं। गाइस, जिसके लिए सबसे पहले पेपर के ऊपर की तरफ 3 सेमी छोड़ छोड़ के 30 सेमी तक मार्क कर लेना है एंड आपको पेपर के नीचे भी इसी तरह से मार्क कर लेना है। इसके बाद पेपर के दोनों तरफ वैसे ही 3 सेमी छोड़ छोड़ के मार्क करना है, पर इस बार आपको 42 सेमी तक मार्क करना होगा। गाइज, मार्किंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब आपको दोनों तरफ के मार्क को आपस में एक लाइन बाई लाइन मैच करते जाना है। जैसा कि गाइज, लंबाई की तरफ स्केल पूरी तरह से नहीं पहुंच रही है, इसके लिए बीच में एक लाइन में फिर से मार्क कर लेना है और इसके बाद सभी मार्क को आपस में मैच कर देना है। गाइज, इसके बाद रेफरेंस फोटो में जिस तरह के नंबर दिख रहे हैं सेम वैसे ही आपको ड्राइंग शीट पर भी लिख लेना है। इसके बाद आपको रेफरेंस फोटो में देखना है कि आई किस बॉक्स में है एंड गाइज, ड्राइंग शीट पर उसी बॉक्स से ड्राइंग को स्टार्ट कर देना है। बाकी आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके देखो, मैं किस बॉक्स में किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोग इजिली समझ पाओगे।